हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोस्तों आज मैं अपने चैनल पे पहली बार एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये एक क्विक मेकअप बिफोर पार्टी है। सो अगर आप पार्टी पे जाने वाले हैं तो पार्टी में जाने से पहले क्विकली आप कितना अच्छा मेकअप कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं उसी का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। और ये जो मेकअप प्रोडक्ट्स, जो मेकअप है वो मैं आज ब्लू हेवन के मेकअप प्रोडक्ट से शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जो मुझे ब्लू हेवन की तरफ से पीआर में रिसीव हुआ है। तो मैं इन सारे प्रोडक्ट से आज क्विक मेकअप शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी दोस्तों कि आप किस तरीके से बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स में आप अपना फुल मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेकअप करने से पहले मैंने अपने हेयर पे अच्छे से बैंड लगा लिया है ताकि कोई भी बाल फेस पे ना आए। मेकअप करते वक्त बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, तो सबसे पहले मैं अपने आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। मैं सबसे पहले अपने फेस पर आई मेकअप ही करती हूँ, तो आई मेकअप करने के लिए मैं सबसे पहले कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करी हूँ यहाँ पर ब्लू हेवन का ऑल इन वन मेकअप स्टिक। दिस इज़ एन HD मेकअप स्टिक दोस्तों। ये जो मेकअप स्टिक है ये फाउंडेशन की तरह भी वर्क करेगा, कंसीलर की तरह भी वर्क करेगा। आप इसे कंटोरिंग भी कर सकते हैं और आप इसे कलर करेक्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। ये वाटर प्रूफ फार्मूला के साथ आता है और अल्ट्रा ब्लेंडिंग है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है, बटरी स्मूथ फार्मूला है इसका। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है दोस्तों, किसी भी स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें टोटल आपको 6 शेड्स मिल जाते हैं, वनीला, वेरी फेयर, क्रेम ब्लश, हनी मीडियम, कैरमल वेटिश, टॉफी टैन एंड चॉकलेटी रस्क, जो कि आपके आपको इसके आउटर पैकेजिंग पे सारे के सारे शेड्स दिख जाएंगे, शेड्स के नाम दिख जाएंगे। और ये फ्लॉलेस कवरेज फॉर एवरी शेड, इसमें बहुत ही फ्लॉलेस कवरेज देता है ये दोस्तों। इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 10 ग्राम, प्राइस है इसका 150 रुपीज। एंड सो या, ये एक HD फिनिश देता है ऐसा इस प्रोडक्ट का कहना है। मैंने जो शेड लिया है ये है वनीला, मेरा जो शेड है ये है वनीला वेरी फेयर। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है दोस्तों, और ब्लू हेवन 40 साल पुराना ब्रांड है। इसके मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते थे और अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है, तो इसके मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों। सो दिस इज़ द मेकअप स्टिक, एज यू कैन सी दिस इज़ इन अ वेरी ब्यूटिफुल पैकेजिंग। एंड या, इट्स क्वाइट बिग। कंसीलर और कंटोरिंग वगैरह भी आप इससे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बुलेट लिपस्टिक की तरह इसकी पैकेजिंग है। सो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके का वर्क करता है, कैसी इसकी कवरेज है। तो सबसे पहले हम इसको आइज़ के अराउंड प्लेस करेंगे, कंसीलर हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे लिप्स के अराउंड। मैं बेसिकली कंसीलर पूरे फेस पर अप्लाई करती हूँ दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आपको कंसीलर लगा लेना है और अब मैं स्पॉन्ज की मदद से इसको ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो लेट्स सी कि ये कवर करता है कि नहीं। वैसे तो जब आप स्पॉन्ज से मेकअप करते हैं दोस्तों, तो स्पॉन्ज क्या करता है कि स्पॉन्ज आधा से ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट खा जाता है। और आप देख सकते हैं इसने मेरे स्किन को इवन टोन किया है दोस्तों, बट हाँ, मुझे इसके कवरेज को बिल्ड करना पड़ेगा। और इसकी जो कवरेज है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, बिल्डेबल कवरेज मेकअप स्टिक है ये दोस्तों। मैं एक और लगाने वाली हूँ कंसीलर, लेट्स सी कि ये सेकेंड टाइम में कैसी कवरेज देता है। बाकी जो मुझे इसका फॉर्मूला लग रहा है वो मुझे थोड़ा थोड़ा सा यू नो जैसे मेक लैक्मे का मेकअप स्टिक आता है ना, मुझे इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही लग रहा है दोस्तों।
कवरेज इसकी अच्छी है, ब्राइटन कर देता है ये फेस को जैसा कि आप देख रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि स्पॉन्ज को वेट करके यूज़ करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली कभी भी स्पॉन्ज को वेट नहीं करती हूँ। मुझसे वेट स्पॉन्ज से कभी मेकअप नहीं होता है दोस्तों, और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप मत करिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो खास करके आप स्पॉन्ज को वेट मत करिएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कवरेज मीडियम टू शियर कवरेज है दोस्तों, फुल कवरेज तो नहीं है इसके क्योंकि मैंने दो बार ही कंसीलर को अप्लाई कर लिया है और इसकी फुल कवरेज नहीं है। हालांकि इसने फेस को मेरे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन कर दिया है। आप मेरे नेक के एरिया को देखो और मेरे फेस के एरिया को देखकर आप मैच कर सकते हैं कि इसने कितने अच्छे से ब्राइटन किया है मेरे फेस को। तो अब मैं आईलिड के ऊपर भी कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी क्योंकि जब तक आप मेकअप में ना, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे ना तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा, चाहे आप बिगनर ही क्यों ना हो। ऑलवेज़ ब्लेंड योर मेकअप, चाहे जितना भी वक्त लगे, ऑलवेज़ ब्लेंड योर मेकअप वेरी नाइसली। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक अच्छा कवरेज दे दिया है मेरे अपर आईलिड को। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने आईलिड पे फेस पाउडर लगाते हैं ताकि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से निकल कर आए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया था जो कि मैंने हिलेरी रोडा का अप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम फेस पाउडर अप्लाई करते हैं। सो दोस्तों, फेस पाउडर के लिए है मेरे पास ये ब्लू हेवन का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर मैट फिनिश SPF 25 PA ट्रिपल प्लस के साथ आता है ये दोस्तों, और ये स्पेशल साइन कंट्रोल फॉर्मुलेशन के साथ है, यानी समर्स के लिए तो बेस्ट है ये मेकअप प्रोडक्ट्स ब्लू हेवन के, क्योंकि इसमें आपको SPF भी मिल रहा है, आप इसे डे टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे नाइट टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये बिल्कुल मैट फिनिश देता है, ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर है ये दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो है 165, विच इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल। और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 8 ग्राम। मेरा जो शेड है वो है अगेन वनीला वेरी फेयर दोस्तों, एंड बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इट्स अ क्वाइट गुड प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको एक फॉर्म टाइप का भी कुछ मिल जाता है जिससे आपका प्रोडक्ट आपसे आप तक बिल्कुल सेफली पहुँचेगा। एंड दिस इज़ द इनर पैकेजिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, लुकिंग सो लग्जूरियस, सो ब्यूटिफुल। ब्लैक कलर की इसकी पैकेजिंग है एंड इट्स रिटन, ऑल द डिटेल्स आर रिटन ओवर हियर, योर शेड, प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये SPF के साथ आता है एंड बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसको, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें आपको एक मिरर भी मिल जाता है जो कि अच्छी खासी बड़ी मिरर है इसकी, एंड इसके साथ आपको ये स्पॉन्ज मिल जाता है जिससे आप फेस पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक मिल जाता है ताकि आपका फेस पाउडर बिल्कुल सेफली आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए मैं अभी फेस पाउडर ना सिर्फ आईज के नीचे अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे अपना आई मेकअप करना है। और आप देख सकते हैं इसकी कवरेज, वाओ, इसका स्पॉन्ज जो है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसका जो फॉर्म दिया गया है फेस पाउडर को अप्लाई करने के लिए वो काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं इसने आईज के अराउंड कितनी अच्छी फिनिश दी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ना पोर्स में फिल नहीं होता है, पोर्स को क्लॉग नहीं करता है इनके जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो प्राइमर तो आप ज़रूर लगाइएगा, बिना प्राइमर के तो मेकअप होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं
इनकी कवरेज काफ़ी अच्छी है और इजीली ब्लेंड भी हो गए हैं एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस. आई एम रियली लविंग इट. सो दिस वॉज द कॉम्पैक्ट और इसे हम फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी अप्लाई करेंगे. फिलहाल हम आई मेकअप करते हैं. तो ब्लू हेवन का मेरे पास कोई आई शेडो नहीं है दोस्तों. तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो आप कैसे आई शेडो लगा सकते हो. तो मेरे पास है ब्लू हेवन की लिपस्टिक जिसे मैं अपने लिप्स पर भी अप्लाई करने वाली हूँ. सो दिस इज़ इंटेंस मैट लिपस्टिक फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज़ इन द शेड हार्ट बीट 303. दिस इज़ अ प्रिटी रेड शेड. प्राइस इसका जो प्रोडक्ट क्वान्टिटी है वो है 4 ग्राम और इसका प्राइस आई गेस इसमें मैंशन नहीं है. येस प्राइस इज नॉट मैंशन इन दिस प्रोडक्ट. सो मुझे नहीं मालूम इसका प्राइस. येस इट्स मैंशन ओवर हियर. ये सिर्फ 100 रुपये की लिपस्टिक है दोस्तों. प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ग्रीन कलर से लिखी हुई इसके पैकेजिंग के ऊपर. इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं आती है, इसी तरीके की पैकेजिंग में आता है दोस्तों. एंड ये एक बुलेट लिपस्टिक है, ये इंटेंस मैट लिपस्टिक है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे किस तरीके से आई शेडो लगा सकते हैं. तो सबसे पहले मैं इसको अपने हल्का सा में लगाऊंगी, हल्का सा, जिससे कि इसको ब्लेंड किया जा सके. अब हम इसको करेंगे ब्लेंड और अगर हमें थोड़ा कम लगेगा तो हम और लगा लेंगे. आपके पास अगर आई शेडो ब्रश नहीं है या फिर ब्लेंडर नहीं है तो आप फिंगर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा सा लुक आया है, मैं फिर से इसको अप्लाई करूँगी. इस बारी मैं फिंगर से अप्लाई करूँगी. आई थिंक स्पॉन्ज पूरा ही ले रहा है तो मैं इसको फिंगर से अप्लाई करके देखती हूँ. सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आई शेडो को ब्लेंड कर लिया है और मैंने हल्का सा रेड लिया है और ये जब मैंने इसको ब्लेंड किया तो ये पिंक में बदल गया है जो कि बहुत ही अच्छा प्रिटी लग रहा है दोस्तों. आप देख सकते हैं. तो आप लिपस्टिक से कुछ इस तरीके से आई शेडो लगा सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एक पिंकी पिंकी लुक आपके आईलिड को दे रहा है. तो ये था मेरा सिंपल सा क्विक आई मेकअप जो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो. तो चलिए अब हम काजल अप्लाई कर लेते हैं दोस्तों. सो दोस्तों काजल के लिए है मेरे पास ये ब्लू हेवन का 24 आवर स्टे इंटेंस काजल प्लस लाइनर डुओ जेट ब्लैक. सो इसमें आपको लाइनर भी मिल जाता है, काजल भी मिल जाता है. एक तरफ आपको लाइनर मिल जाती है, एक तरफ आपको काजल मिल जाता है. ये जो शेड है ये है जेट ब्लैक में, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आया है दोस्तों. एंड ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लाइफ वेट फॉर्मूला के साथ आता है. एक स्ट्रोक, वन स्ट्रोक फिनिशर, यानी एक स्ट्रोक में आपको बिल्कुल जेट ब्लैक फिनिश ये देता है. 24 आवर्स तक ये स्टे करता है. एंड कुछ इस तरीके की इसकी इसके पेन है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों. एंड ये रिटेल करता है 225 रुपीज़ का और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है आईलाइनर है वो 0.55 ml है और जो काजल है वो 0.30 ग्राम है दोस्तों. तो कुछ इस तरीके से है ये काजल और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग करता है और आप इसको ईजिली मेकअप रिमूवर या किसी भी जेंटल वाइप से रिमूव कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा बोल्ड लुक देता है ऐसा इसके प्रोडक्ट में मेंशन है दोस्तों. सो आई एम रियली लविंग इट. ये काफ़ी अच्छा एक काजल है जो कि इसमें आपको काजल भी मिल जा रहा है, आईलाइनर भी मिल जा रहा है. तो आपको अलग से आईलाइनर या अलग से काजल कर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा. सो गाइज तो मैं काजल अप्लाई करने वाली हूँ. मुझे काजल आईलाइनर से ज़्यादा पसंद होते हैं. मेरा काजल लगाने का तरीका थोड़ा अलग है. मैं अपने आई जो लिड है उसको इस तरीके से खींचती हूँ और तब मैं काजल अप्लाई करती हूँ दोस्तों. तो हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं. कुछ इस तरीके का काजल है, आप पहले देख लीजिए.
इतनी प्राउड क्वांटिटी आपको मिल जाती है। इस तरफ काजल है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है काजल, और इस तरफ आईलाइनर है, यहाँ पर लिखा हुआ है आईलाइनर, एंड दिस इज़ द आईलाइनर। और इसका ना मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ, बिल्कुल जेट ब्लैक इसका स्वैच है दोस्तों। ये है इसका आईलाइनर एंड ये है इसका काजल। दोनों ही बिल्कुल जेट ब्लैक हैं, दोनों की फिनिश मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बिल्कुल बटरी स्मूथ है, आराम से अप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए अब हम काजल अप्लाई कर लेते हैं। अब हम इस आई पे अप्लाई करेंगे। गाइस मैंने दोनों आईज पे काजल अप्लाई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बोल्ड काजल है ये। तो मुझे ये काजल बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और काजल अप्लाई करने के बाद अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। तो मस्कारा के लिए है मेरे पास ब्लू हेवन का ही मस्कारा। दिस इज अप टू 12 आवर्स स्टे एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा डिफाइंड लॉन्ग लैशेस। ये जो मस्कारा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, एंड ये क्विकली ड्राई हो जाता है, वाटरप्रूफ है, नॉन क्लम्पिंग है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये लॉन्ग लैशेस का इल्यूजन देता है दोस्तों, और 12 आवर्स तक ये स्टे करता है। इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 9 ml, और इसका जो प्राइस है वो है 150 rupees, विच इज़ वेरी नाइस। और ये बहुत देर तक टिकता है दोस्तों आपके आई लैशेस पे, एंड दिस इज़ अ जेट ब्लैक मस्कारा। तो चलिए अब हम इस मस्कारा को अप्लाई करते हैं। सो गाइज मस्कारा की जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, बट इट्स सो अफोर्डेबल। ब्लू हेवन हैव surprised us with their amazing product launches and I'm really loving the packaging. Look at the packaging guys, it's so beautiful. तो चलिए अब हम इसको apply कर लेते हैं। और मुझे मस्कारा बहुत पसंद है, मैं कभी भी किसी भी पार्टी वगैरह में या फिर मैं कहीं भी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ तो मैं मस्कारा लगाना कभी नहीं भूलती हूँ। तो मुझे मस्कारा बहुत पसंद है, हमेशा मस्कारा ऊपर की ओर अप्लाई करें ताकि जब मस्कारा ड्राई हो जाए ना तो आपके लैशेस ऑटोमेटिकली कर्ल लगें और लंबे लगें। सो आप देख सकते हैं डिफरेंस। वाओ इट्स अमेजिंग गाइस, आप मेरा आई लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा बोल्ड लग रहा है। पहले तो आई लैशेस पता ही नहीं चल रहे थे और अब आप देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, आई एम रियली लविंग इट। मुझे ये मस्कारा बहुत पसंद। सो गाइस अब मैं अपने आईब्रोज को सेट करूंगी। तो आईब्रोज को सेट करने के लिए है मेरे पास ये ब्लू हेवन का ब्राउ परफेक्ट आईब्रो एनहेंसर पेंसिल प्लस कोम्ब। इसमें आपको पेंसिल भी मिल जाता है, कोम्ब भी मिल जाता है, जिससे आप अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। और मेरा जो शेड है ये है हनी ब्राउन। ये 12 आवर्स तक स्टे करता है, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ है, आईब्रो कोम्ब, स्पूली फॉर प्रेसाइज हेयर लाइक स्ट्रोक्स, जैसा कि आप इसकी पैकेजिंग पे देख सकते हैं दोस्तों। एंड इसका जो प्राइस है वो है 175 rupees, एंड ये 0.30 ग्राम के साथ आता है दोस्तों, विच इज़ वेरी नाइस। लुक एट द पैकेजिंग, इट्स अमेजिंग। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं मेकअप में उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अभी अभी सीख ही रही हूँ, बट जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा, इट्स नेवर टू लेट, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये जो आईब्रो एनहेंसर है वो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है, पेन टाइप की, एंड आप देख सकते हैं इस तरफ ये पेंसिल है, इसका जो शेड है ये है हनी ब्राउन। मैं आपको इसका शेड दिखा देती हूँ, इसकी पिगमेंटेशन ठीक ठाक है दोस्तों, एंड ये मुझे ब्लैक टाइप का ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं।
सो ये इसका पेन है और ये इसकी स्पूली है, आप देख सकते हैं, जिससे आप अपने आईब्रोज को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेन अप्लाई कर लेते हैं आईब्रोज पे। तो मैं बहुत ही हल्का हल्का अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा आईब्रो को एनहेंस नहीं करती हूँ। जितना नेचुरल आपका मेकअप लगेगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मेकअप मुझे पर्सनली पसंद नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छा फिनिश दिया है दोस्तों, एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसे थोड़ा सा स्पूली से सेट कर लेती हूँ। अपने आईब्रोज को हमेशा ना इस तरीके से अपर डायरेक्शन में सेट करें, इससे क्या होगा ना, आपके आईब्रोज जो हैं वो बहुत ही उठे उठे से लगेंगे, तो उससे ना आईज बहुत अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसने कितनी अच्छी फिनिश दी है। इसकी पिगमेंटेशन हाथों पे तो उतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन आईब्रोज पे ये बहुत ही अच्छे से इसने फिनिश दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप ब्राउ को एनहेंस करना चाहते हैं, एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ ज़रूर जाइए। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़। सो दोस्तों ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है और अब मैं अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। गाइस अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए है मेरे पास ब्लू हेवन का ये हाइपर मैट फाउंडेशन। SPF 25 के साथ आता है, PA डबल प्लस के साथ आता है ये दोस्तों, विच इज़ वेरी गुड। इट कम्स इन अ ब्यूटिफुल कार्डबोर्ड पैकेजिंग। इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ एंड प्रोडक्ट क्वान्टिटी इज 30 ml। सो गाइज दिस इज़ अ वेरी नाइस फाउंडेशन विद अ वेरी गुड पैकेजिंग। मेरा जो शेड है ये है वनीला वेरी फेयर प्लस पिंक, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको टोटल 6 शेड्स मिल जाएंगे। सारे शेड्स आपको हर फाउंडेशन के आउटर पैकेजिंग पे आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ये बिल्डेबल कवरेज के साथ आता है। अगर आपको इसकी कवरेज शियर टू मीडियम लग रही है या लो लग रही है, तो आप इसके कवरेज को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डेबल फाउंडेशन नहीं है दोस्तों। इसका जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग बेस है और लिक्विड फॉर्मूला के साथ आता है। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं एंड ये ग्लास की बॉटल में आता है। और इसके साथ सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है जो कि ये पंप की बॉटल है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। आप आराम से प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ईजिली प्रोडक्ट आपका निकल आता है। और ये ईजिली देख रहे हैं आप कितने अच्छे से हाथों पे मेरे ब्लेंड हो गया है। इसकी कवरेज हाथों पे ब्लेंड करने के बाद मुझे लग रही है कि अच्छी कवरेज आएगी दोस्तों इसकी। वेल ये एक लिक्विड फाउंडेशन है और सबसे अच्छी बात ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता। यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स नॉन क्लॉगिंग, यानी कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। और दूसरी बात ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला के साथ आता है, यानी कि आप फेस पर अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपने फेस पर मेकअप थोपा हुआ है। बहुत ही अच्छा है, तो समर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा आपको अपने फेस पर, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। प्लस ये SPF 25 के साथ आता है, तो आप इसको डे टाइम में अप्लाई करके जा सकते हैं दोस्तों, और नाइट टाइम में भी आप इसको पार्टी वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। और अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं अपने हाथों पर कुछ फाउंडेशन ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसको अपने फेस पर डॉट 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 करके अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड काइंड ऑफ फाउंडेशन है।
मैंने अच्छा खासा फाउंडेशन लिया है दोस्तों, देखती हूँ इसकी कवरेज कैसी आती है, एक बार में आती है कि नहीं आती, या कवरेज को इसको बिल्ड करना पड़ता है। वैसे तो मुझे ये छूने से ही लग रहा है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा लाइटवेट फॉर्मूला है। मैं नेक पर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि नेक पर भी मेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ नेक अलग कलर का लगेगा और आपका फेस अलग कलर का लगेगा, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए अब हम इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से ब्लेंड होता है। वेल, इसमें तो लिखा गया कि इसकी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी है, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल बटरी स्मूथ फाउंडेशन है। वाओ, कितनी इजीली ये ब्लेंड होते जा रहा है, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके की कवरेज ये दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसको बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसका बेस काफ़ी ज़्यादा, सो गाइस ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है, और इसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है दोस्तों, और बिल्कुल लाइट वेट है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई किया है। और सबसे अच्छी बात ना, इसको अप्लाई करने के बाद मुझे बहुत ही ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा लिक्विड फाउंडेशन है ये, एंड लुक एट द कवरेज। आप इसके कवरेज को बिल्ड कर सकते हो, बट जितना फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है और स्पॉन्ज इतना मेकअप को बहुत खाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको अब दूसरा लेयर भी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग, आई एम इम्प्रेस्ड, रियली इम्प्रेस्ड। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने ईयर्स पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने कितनी अच्छी कवरेज दी है, मेरे स्किन को बिल्कुल इवन टोन कर दिया। ये स्किन को बहुत ही अच्छे से इवन टोन कर देता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग और ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है दोस्तों। एंड इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसकी कवरेज को बिल्ड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं मेरा फेस इंस्टेंट ब्राइटन हो गया इसको अप्लाई करने के बाद, क्योंकि हम सिर्फ फाउंडेशन तो अप्लाई करेंगे नहीं, हम तो कॉम्पैक्ट भी अप्लाई करेंगे, तो इसकी कवरेज को बिल्ड करने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत पड़ेगी। तो आई एम रियली लविंग दिस फाउंडेशन, दिस इज़ अ वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस फाउंडेशन, आई एम रियली लविंग इट। द पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, काफ़ी छोटा सा, आप इसको लेकर कहीं भी ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अप्लाई करेंगे अगैन कॉम्पैक्ट, क्योंकि हमने अंडर आई में तो अप्लाई किया था, पूरे फेस पर तो अप्लाई नहीं किया था, तो अब हम कॉम्पैक्ट को अप्लाई करेंगे। और इसका कॉम्पैक्ट की भी कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं कॉम्पैक्ट को इस तरीके से स्प्रेड करके ही अप्लाई करती हूँ। मैं जनरली आइज़ के अंडर में डॉट 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 इस तरीके से करके डैब 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 करके अप्लाई करती हूँ, मगर फेस पर मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है दोस्तों। सो दोस्तों कॉम्पैक्ट मैंने अप्लाई कर लिया है, अच्छी खासी कवरेज मुझे मिल गई है, फेस मेरा बिल्कुल लाइटन हो गया है। तो बात करती हूँ अब कंटूरिंग की। तो ये जो ऑल इन वन मेकअप स्टिक है, इसको हम कंटूरिंग के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, मगर इसका जो शेड है दोस्तों वनीला वेरी फेयर, ये कंसीलर के लिए ओके ओके है, मगर इससे आप कंटूरिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा डार्कर शेड लेना पड़ेगा, जो कि अभी मेरे पास नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए मैं कंटूरिंग को अभी स्किप कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इससे कंटूरिंग कर लेती, लेकिन इससे कंटूरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो इसको मैं अगर डार्क शेड में परचेज करूंगी तो उससे मैं कंटूरिंग कर सकती हूँ। सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारा फाइनल स्टेप है, जो कि है लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का ही इंटेंस मैट लिप कलर इन द शेड हार्ट बीट 303, जिससे मैंने अपने आई शेडो को
बिल्डअप किया है, यानी आई शेडो लगाया है जिससे, और ये इन द शेड है हार्ट बीट 303, आप क्लियरली देख लीजिए, इट्स अ ब्यूटीफुल रेड शेड, और पार्टी वगैरह में रेड शेड तो चलते ही हैं दोस्तों। तो मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ, गाइज इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रेड शेड। तो अब हम देखते हैं कि ये कितनी जल्दी मैट में बदलता है दोस्तों। इसमें तो लिखा है इट्स एन इंटेंस मैट लिपस्टिक, बट मुझे ये उतना मैट नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा इसका फॉर्मूला है, हालांकि बहुत ही बटरी स्मूथ है, बहुत ही ईजिली लिप्स पे लग गया है दोस्तों। तो फॉर्मूला तो इसका काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, और ये थोड़ी ही देर में मैट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दोस्तों अब बारी आती है मेकअप फिक्सर की, तो मेकअप फिक्सर के लिए मेरे पास है ब्लू हेवन का ही मेकअप फिक्सर, जो कि ये काफ़ी पुराना लॉन्च है इनका, और मैं यही मेकअप फिक्सर हमेशा से यूज़ करती आ रही हूँ। और ये पैराबिन फ्री है, गुडनेस ऑफ एलोवेरा विटामिन ई एंड विटामिन B5 के साथ आता है, इसका इंडिविजुअल रिव्यू आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और ये ना थोड़ा सा ड्यूई फिनिश देता है, तो क्योंकि हम पार्टी मेकअप लुक कर रहे हैं तो थोड़ा सा ड्यूइनेस तो होना ही चाहिए। वैसे ये थोड़ी देर में मैट में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा आपका फेस शाइनी लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑयली हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसी मेकअप फिक्सर को अप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है दोस्तों आई गेस, एंड इसका जो प्राइस है वो बॉटम में लिखा हुआ है, वेट ये 300 रुपये का आता है दोस्तों, और इसकी आउटर पैकेजिंग भी आती है, बट मैंने इसको थ्रो कर दिया क्योंकि ये काफ़ी पहले मैंने परचेज़ किया है दोस्तों। तो चलिए इसको हम इस तरीके से शेक कर लेते हैं, और उसके बाद हमें इतनी दूरी पे रखकर स्प्रे करना है। सो गाइज मैंने मेकअप फिक्सर को स्प्रे कर लिया है, और बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा मेरा फेस शाइनी सा लग रहा है, ये थोड़ा सा ड्यूइनेस देता है मगर ऑयली फेस को बिल्कुल नहीं करता है, और तो मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक, एंड या दिस इज़ क्विक रेडी मेकअप लुक। आप क्विकली इस तरीके से मेकअप कर किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मेकअप लुक मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे फेस को कितना अच्छा लाइटन हो गया है, मेकअप बहुत ही अच्छा टर्नड आउट हुआ है। एंड सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा दोस्तों। मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे मेकअप लुक और अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर हमेशा ही आती रहूँगी। मुझे इंस्टा ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय दोस्तों।